prominent critics of India's Bhartiya Janata Party, Rahul Gandhi from the Congress Party, and former BJP governor of occupied Jammu and Kashmir, Satyapal Malik, have accused Prime Minister Narendra Modi of exploiting the 2019 Pulwama attack for electoral gain. Over 40 personnel of India's paramilitaries were killed in a Fedayeen-style strike in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. जिस दिन ये हुआ तो ये नेशनल कॉर्बेट पार्क में शूटिंग करा रहा था अपने, तो ये अवेलेबल मैंने 3-4 बार कोशिश की, मिला ही नहीं मुझको। 5 या 6 बजे इसका फ़ोन आया, हाँ सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे हैं। तो बोला नहीं नहीं चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इस पर। फिर 1 घंटे बाद ये डोभाल जो मेरा क्लास फेलो रहा लॉ में मेरठ में, तो इसका फ़ोन आया, सतपाल भाई आप बोल दी। मैं 2 चैनल को बोल चुका था ये बात, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं बोलना इस पर। मैं कहा ठीक है, मैं समझा कुछ जांच वांच कराएंगे उस पर असर पड़ेगा, कुछ भी नहीं। तीसरे दिन इनका आ गया कि ये पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, करना भी नहीं है इसको। पुलवामा के शहीद जिस तरह हुए थे इसलिए हुए कि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। अगर वो मेरे से मांग लेते तो मैं इमीडिएटली कर देता। मैं तो वहाँ स्टूडेंट्स जब जम्मू में फंस जाते थे वर्ष में, उनको एयरक्राफ्ट से, क्योंकि दिल्ली में एयरक्राफ्ट इमीडिएटली मिलता है किराए पे। 4 महीने तक एप्लीकेशन उनकी पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में, और 4 महीने बाद वो खारिज कर दी कि नहीं देंगे। तब वो सड़क से चले, इतना बड़ा मतलब 4 महीने के लिए वो चले ही नहीं। चले ही नहीं इसलिए कि वो सड़क से चलना बिल्कुल इनसिक्योर होता है, वो उनके उसमें नहीं है सिस्टम में। 5 जहाज मांगे थे उन्होंने, वो नहीं दिए, 4 महीने तक लटकाए रखे। और तो 4 महीने के लिए क्या होल्ड पे थे? क्या होल्ड पे थे? सब मेरे सामने नहीं आई, अगर मेरे सामने आई होती तो मैं उसमें कुछ करता। दैट वॉज बिटवीन CRP एंड होम मिनिस्ट्री। लेकिन ये थी कि अटैक हो सकता है। इसके अलावा वो जो गाड़ी टकराई थी वो 10 दिन से घूम रही थी वहाँ, पूरा आप समझिए कि भरी हुई विस्फोटक से। वो कैसे मतलब इतना एक्सप्लोसिवली कैसे मतलब ऐसे घूम रही थी? सिस्टम नहीं था ठीक से। और जब मैं गया हूँ फिर पुलवामा होने के बाद, तो जो 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसमें लगभग 8-10 लिंक रोड मिलती हैं, एक भी सैनिटाइज नहीं थी उस दिन। बल्कि हम तो जब अपनी पुलिस को भेजते थे कश्मीर की, तो पूरी रोड पे सिविल ट्रैफिक बिल्कुल रोक देते थे, सैनिटाइज कर देते थे तब भेजते थे। ना हाईवे सैनिटाइज था ना वो लिंक रोड। और लिंक रोड जहाँ हाईवे में मिलती है वहाँ रिवाज ये है कि वहाँ एक जिप्सी खड़ी होनी चाहिए जो उसे रोक दे कि नहीं भैया काफिला चला जाए, CRP का तब जाना, ब्लॉक कर। कुछ नहीं था, देयर वाज नथिंग लाइक दैट। तो जब आप वहाँ गए, जैसे पॉलिटिक्स में हम ऐसी घटनाओं में जाते हैं तो जब हम कहीं पहले पहुँचते हैं कोई माइंड में कोई फीलिंग आती है, तो इसमें आपकी क्या फीलिंग आई थी जब आप पहली बार वहाँ गए? आप मेरा यकीन करेंगे, आई वॉज इन टीयर्स। और मैंने इसको फ़ोन किया, मुझे नहीं मिला। जब 5 बजे मेरी बात हुई तो मैंने कहा हमारी गलती से हुआ ये, तो बोला नहीं नहीं इस पर आपको चुप रहना है। मैं चाहता था कि कुछ सर इसमें कटने चाहिए जिनकी जिम्मेवारी थी, कुछ भी नहीं, किसी का नहीं, कुछ नहीं हुआ। उसको इलेक्शन के लिए यूज़ करना चाहते थे कि ये पाकिस्तान ने किया, हमारे जवान मारे और अब हम हराएंगे।